बहुत से लोग कहते हैं महाराज भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे की है। अरे नक्कटा हरो, भगवान की भक्ति बुढ़ापे की नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और हम तो एक निवेदन करें बुरा न मानो, पागलो बुढ़ापे में तुम कथा सुन पाओ या ना सुन पाओ, अपने बच्चों को जरूर कथा सुनवाओ। बच्चों को सत्संग सुनवाओगे, कथा सुनवाओगे, बच्चों का विवेक जगेगा, बच्चे भगवान के भक्त बनेंगे। रामायण पढ़वाओगे तो रामायण में वो पढ़ेंगे प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भाई माता, तो भैया प्रातः काल उठ करके तुम्हारे बच्चे तुम्हारे चरणों में प्रणाम भी करना सीख जाएंगे। वरना आजकल के अंग्रेजी छाप बच्चे बड़े बुरे भय भैया, अंग्रेजी छाप में आग ही लगे या हाय हेलो इतनी खतरनाक चली अंग्रेजी, हाय मॉम, अब मम्मी खत्म हो गई, ये बंदे हो गया कहना, बहुत कम लोग बोल रहे हैं मम्मी। माताजी तो बिल्कुल कम सुनाई दे रहा, माँ तो और ही कम सुनाई दे रहा। अब मॉडर्न जमाना आ गया, हाय मॉम, कह मोमबत्ती आए मॉम लगाए, आप मॉम नहीं चल रहा, अब चल मम्मी। ये जितने अंग्रेजी वाले हैं जे मॉम नहीं करे, अब जे कह रहे मम्मी, मम्मी माने पता है क्या होता है, मम्मी माने होता है मुर्दा शरीर, गाड़ा जाता है विदेशों में, उसे मम्मी कहते हैं। तो जिंदा में ही मताई बाप हमारे, और बाप काका डैड, अब समझ जाओ। अरे भैया जो भाव माता पिता कहने में प्रबल होता है वो मम्मी और डैड कहने में नहीं होता, इसलिए अपने बच्चों को बचपन काल से ही भागवत सुनवाओ। बोले क्यों, कथा सुनेंगे रामायण पढ़ेंगे बुद्धि शुद्ध रहेगी, बच्चे संस्कारवान बने रहेंगे। हाँ आप तो कथा सुनो ही, बच्चों को जरूर कथा में लेकर के आओ, जानबूझकर लेकर आओ। लेकिन लोग कहते महाराज कथा तो बुढ़ापे की है। अरे भैया कथा बुढ़ापे की नहीं है, कथा तो बचपन काल की ही है। बुढ़ापे में तो राम कहेंगे आम सुनाई देगा, बुढ़ापे में माला देंगे माला और छूट जाएगी, हाथ कपेंगे हाथ बोलो सीताराम। अपने बालक बालिका को रामायण का पाठ जरूर करवाओ, सुनवाओ, दर्शन करवाओ। अरे और धर्मों से सीखो, और धर्म के लोग शुक्रवार को चाहे जो हो जाए वो अपने भगवान जो भी उनके भगवान है उनके यहाँ पर जरूर टोपी लगा करके भेजते हैं। हम कहते तुम रोज ना भेज पाओ पर मंगलवार को जरूर हनुमान जी के मंदिर बच्चों को भेजो। और हिंदुओं से हम निवेदन करना चाहेंगे, प्रत्येक सनातनी हिंदू से, अन्य धर्मों के लोग जिस तरह एकता दिखाने के लिए सप्ताह में एक दिन संगठित होते हैं, हिंदू भी हर मंगलवार किसी मंदिर में संगठित हो, दर्शन करने जाएगा। मंगल को तुम दर्शन करने जाओगे मंदिरों पर भीड़ होगी तो अपने आप दुश्मन डर जाएंगे कि अब इनसे लड़ना नहीं है क्योंकि ये संगठित हो गए हैं। हाँ लेकिन हम लोग सो रहे हैं और इतने बुरे सो रहे हैं कि राम बचाएं, और धर्मों के लोग कट्टर हैं, अन्य पंथ के लोग वो अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए स्पेशल एक कोचिंग करवाते हैं, और तुम लोग हम लोग इतने विचित्र हैं कि अपने बच्चों को रामायण भी नहीं पढ़वाते। आजकल बच्चन है गेम में फंसा दो, मोबाइल में फंसा दो, लूडो खिला रहे लूडो। हाँ राम बचावे भैया, सावधान हो जाओ बोलो वृंदावन बिहारी, सावधान हो जाओ, अब मौका है जगने का, जाग जाओ,
अपने बच्चों को हर मंगलवार किसी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करवाओ, तभी सना। और धीरे बजाओ, और धीरे बजाओ, रावण जग जाएगा तुम्हारा। और धीरे बजाओ, जोर से बजाने से रावण जग जाएगा भीतर का। मत जगने दो, सोने दो उसे। काय को बजा रहे, सोने दो उसे। गलती क्यों कर रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जब से आप लोगों ने रामायण को अलग कर दिया, तब से परिवार की एकता खत्म हो गई। पहले परिवार एक हुआ करते थे, संगठित होते थे। जब से रामायण को अलग कर दिया, तब से परिवार की एकता दूर हो गई। हम फिर निवेदन करेंगे, आज कथा में प्रण लेकर जाओ, अपने बच्चों को मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर लेकर जाएंगे। सुबह नहीं तो शाम, जरूरी नहीं बागेश्वर धाम, बगल के हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, जाकर के श्री रामचंद्र स्तुति या हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे।